अगर आपके पास में वीड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्लाइफोसेट भी इस्तेमाल होती है, पेंडीमेथिलिन भी इस्तेमाल होती है, पैराक्रॉट भी इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा असीटाक्लोर भी इस्तेमाल होती है। पेंडीमेथिलिन और असीटाक्लोर उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम कॉटन का सीड जो होता है वो लगाते हैं और उसके 24 आवर के अंदर हमने स्प्रे करना होता है। तो उसके लिए जब हम 24 आवर के अंदर स्प्रे करेंगे तो पेंडीमेथिलिन और एसीटाक्लोर यूज़ होगी। इसके अलावा बाद में जो गंध उगा हुआ होता है, मतलब जो गंध उगा नहीं है, उसके लिए पेंडीमेथिलिन और एसीटाक्लोर यूज़ होगी। और अगर गंध आपका वीड्स जो उग आई हैं तो उसके लिए यूज़ होगी पैराकॉट या फिर ग्लाइफोसेट। कुछ सीड आ रहे हैं, वराइटीज़ आ रही हैं जो कि ग्लाइफोसेट फ्री होती हैं। ग्लाइफोसेट फ्री का ये मतलब है कि अगर उनके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे चला भी जाए तो पौधों को कुछ नहीं होगा, अदरवाइज आपको शील्ड लगाना पड़ेगी। शील्ड का ये होता है कि पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं जाएगी, बेशक आप पैराकार्ड करें या ग्लाइफोसेट करें, पौधे के ऊपर स्प्रे ना जाए शील्ड लगा के करें तो सिर्फ वीड्स मरेंगी और पौधों को कुछ नहीं होगा। पैराकार्ड और ग्लाइफोसेट का फ़र्क ये है, पैराकार्ड फौरी तौर पर असर दिखाती है लेकिन बाद में जो होता है जड़ी बूटियाँ उग आती हैं। ग्लाइफोसेट ये होती है, उसके अंदर एक आईपीए साल्ट होता है ग्लाइफोसेट में, जो कि जड़ी बूटियों को दोबारा उगने नहीं देता। एक दफ़ा आप स्प्रे कर देते हैं तो फौरी कंट्रोल नहीं आता, मतलब कि हफ्ता 10 दिन 12 दिन लग जाते हैं या 15 दिन भी लग सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जड़ी बूटियाँ मरती हैं फिर उसके बाद, लेकिन कंट्रोल इसका देर पा होता है। जड़ी बूटियाँ फौरन नहीं उगेंगी या जल्दी नहीं उगेंगी, काफ़ी टाइम के बाद शायद जाके उगें, तो ग्लाइफोसेट जड़ तक उन्हें सुखा देती है। अगर आप ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, पेंडीमेथिलिन, एसीटाक्लोर, ग्लाइफोसेट या फिर पैराकॉट, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेट भी लिख के दे रहा हूँ, ये आप किसी भी वक्त मुझसे मंगवा सकते हैं, लेकिन ये रेट आज के होंगे या 2-3 दिन या हफ्ते तक ये वैलिड होंगे, उसके बाद शायद चेंज भी हो जाए तो फिर उस वक्त मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा इन रेट्स का। तो फ़िलहाल ये रेट्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। और कपास के हवाले से अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर दिया हुआ है, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे जितनी हो सके। थैंक यू।